रिसेंटली काफी लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई यूट्यूब शॉर्ट्स वाले फीड में हम लोग कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो लाइव स्ट्रीम है वो यूट्यूब शॉर्ट्स वाले फीड में दिखाई दे, वहां पर रिकमेंड हो। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपनी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब शॉर्ट्स वाली फीड में करो तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको पीसी से भी बताऊंगा, मोबाइल से भी बताऊंगा। अगर आप अपने पीसी से ओबीएस स्टूडियो की मदद से अगर आप अपने शॉर्ट्स वाली फीड में लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो यूट्यूब पे तो वो कैसे कर सकते हो, और अगर आप लोग मोबाइल फोन से करना चाहते हो डायरेक्टली तो वो कैसे कर सकते हो, दोनों चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो YouTube शॉर्ट्स फीड में लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक ही बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है आपकी लाइव स्ट्रीम के लिए कि आपकी लाइव स्ट्रीम जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में रहना चाहिए, मतलब जो उसका एस्पेक्ट रेशियो है वो 9:16 में रहना चाहिए। अब वर्टिकल लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं पीसी यूजर्स के लिए कि आप लोग ओबीएस स्टूडियो से वर्टिकल लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो जो आपके YouTube शॉर्ट्स वाले फीड में दिखाई दे। तो सबसे पहले आप अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन कर लो। यहां पे आप देख सकते हो मैंने अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन कर लिया है। ये मेरा ओबीएस स्टूडियो का नॉर्मल सीन्स वगैरह है जिससे मैं अपने YouTube पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ अपना गेम प्ले वगैरह। बट आपको क्या करना है, यहाँ पे OBS स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू प्रोफाइल पे यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको एक नया अपनी इस प्रोफाइल का नाम दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ VIRTICAL वर्टिकल और यहाँ पे मैं वर्टिकल लिख देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रीम भी लिख देता हूँ, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रीम लिख देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एक न्यू प्रोफाइल जो है वो बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है बट प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले मेरी अनटाइटल्ड नाम से मेरी प्रोफाइल थी, अब यहाँ पे नई प्रोफाइल बन चुकी है वर्टिकल स्ट्रीम नाम से और वो सिलेक्ट भी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपने नए प्रोफाइल पे आ चुके हैं। नया प्रोफाइल पे आने के बाद मैं नया प्रोफाइल आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सीन कलेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको एक न्यू सीन कलेक्शन भी क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे सीन कलेक्शन पे आके न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे इसका सीन कलेक्शन का आप नाम दे दो, यहाँ पे जो भी देना है। तो यहाँ पे मैं इसका भी नाम दे देता हूँ वर्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे न्यू सीन कलेक्शन भी बना लोगे तो यहाँ पे आपका सब कुछ ऑडियो मिक्सर वगैरह मतलब यहाँ पे सब आपका ओबीएस स्टूडियो जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। आप यहाँ पे ब्लैंक होने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहली सेटिंग आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है ओबीएस स्टूडियो में। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको जाना है वीडियो पे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो में जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है 1080 और यहाँ पे लिखना है आपको 1920, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपने लिख दिया 1080 × 1920, आपको सेम ऐसा लिखना है, ठीक है, 1920 × 1080 नहीं लिखना है, 1080 × 1920 लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आउटपुट स्केल रिजोल्यूशन पे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे भी आपको 1080 × 1920 पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इतना सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे FPS को आपको 30 रहने देना है, इसको यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। इतना अप्लाई करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे आउटपुट सेटिंग में। आउटपुट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप बिटरेट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे समझ लो मैं 3000 बिटरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बिटरेट आप अपने हिसाब से सेट कर लो, इसको भी अप्लाई कर दो। इतना आपने कर लिया, उसके बाद स्ट्रीम वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको आप YouTube पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, यहाँ पे आप YouTube सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कनेक्ट अकाउंट यहाँ पे क्लिक करके आप अपना YouTube चैनल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर लो। तो मैं फटाक से अपना YouTube चैनल यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना YouTube चैनल जो है एक्सपोजर 2.0 ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। YouTube चैनल आपने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद अप्लाई कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। इतना काम कर लिया आप लोगों ने। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो है YouTube चैट का भी एक विंडो आ चुका है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे कैनवास में ये साइड लगा सकते हैं। पता नहीं क्यों नहीं लग नहीं रहा है, तो अरे क्या हो गया भाई, बीमार है क्या, बीमार तो मैं हूँ, ठीक है। तो इसका चैट को हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया अपने OBS के। इतना कर लिया, अब उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपल जैसे हम OBS स्टूडियो में सोर्सेज और सीन्स ऐड करते हैं वैसे आपको यहाँ पे सीन वगैरह बना लेना है प्लस पे क्लिक करके, और या फिर आप जो भी सीन में हो वहाँ पे जब भी आप सोर्स ऐड करना यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हो। समझ लो आपको अपना वेबकैम ऐड करना है फेस कैम के लिए, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, इसका नाम दे सकते हो आप जो भी नाम देना चाहो, उसके बाद ओके पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप अपना यहाँ पे अपना वेबकैम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मेरा वेबकैम यूज़ हो रहा है ये फेस रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मैं ऐड भी कर दूंगा तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बट ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे अपना फेस कैम या फिर और कुछ भी इमेज टेक्स्ट जो कुछ भी ऐड करना है ये सीन में ऐड करो। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग यहाँ पे मैनेज ब्रॉडकास्ट पे पहले आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपको अपना लाइव स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैनेज ब्रॉडकास्ट पे आप जाओ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू ब्रॉडकास्ट वाला ऑप्शन में अपना टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, उसके बाद प्राइवेसी पब्लिक लाइव स्ट्रीम करना है, अनलिस्टेड लाइव स्ट्रीम करना है, प्राइवेट लाइव स्ट्रीम करना वो सब सिलेक्ट करो, थंबनेल अपलोड करो, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स वाले पे सिलेक्ट करो, ये सारी चीजें अपने हिसाब से करके उसके बाद क्रिएट ब्रॉडकास्ट एंड स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक कर दो। आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये वर्टिकल फॉर्मेट में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी और वर्टिकल फॉर्मेट की लाइव स्ट्रीम
यूट्यूब शॉर्ट्स वाले फीड में रिकमेंड होती है अपने आप। ठीक है, तो ये तो हो गया पीसी यूजर्स के लिए कि हम लोग OBS स्टूडियो को यूज करके कैसे वर्टिकल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूं अगर आप लोग मोबाइल फोन से करना चाहते हो वर्टिकल लाइव स्ट्रीम तो वो आप कैसे कर सकते हो। अब देखो, मोबाइल पे आपको सबसे पहले तो अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना और वहां पे जाके आपको ये स्ट्रीम लैब्स वाला जो ऐप है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फोन पे। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इसको पहली बार ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको स्क्रीन आएगा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे एनेबल कैमरा पे क्लिक करके आप यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अपना कैमरा एनेबल कर लो, माइक्रोफोन एनेबल कर लो। यहाँ पे दोनों चीज़ एनेबल करने के बाद में यहाँ पे नो थैंक्स पे टच करके आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आ सकते हो, नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी यहाँ पे ब्लैक 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 ब्लैक। ठीक है, तो अब यह स्क्रीन आने के बाद में आप यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो ये ओरिएंटेशन है अपने मोबाइल फोन का उसको यहाँ पे ऑटो रोटेट वाले को यहाँ पे लॉक करके रखो, मतलब ऑटो रोटेशन जो है अपने फोन का वो ऑफ करके रखो, वरना पता चला आपका फोन बीच में यहाँ पे लैंडस्केप मोड पे जा रहा है, हो सकता है वो आपका वर्टिकल फॉर्मेट वाले लाइव स्ट्रीम को बिगाड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑटो रोटेशन मैंने ऑफ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे अपने थ्री लाइंस पे यहाँ पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे सीन्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सीन्स वाले ऑप्शन पे टच कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट न्यू सीन पे यहाँ पे टच करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे थीम सीन्स बने हुए इनमें से कोई सिलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सीन बना हुआ है कि ऊपर अलर्ट बॉक्स है, बीच में फ्रंट कैमरा है और नीचे चैट बॉक्स है, तो ये सीन मुझे सही लग रही है, तो यहाँ पे मैं इस सीन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट न्यू पोर्ट्रेट स्क्रीन पे टच करके यहाँ पे नई सीन क्रिएट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे हम कस्टम कर लेते हैं, समझ लो कस्टम, और यहाँ पे स्क्रीन नेम को हम दे देते हैं पोर्ट्रेट PRAIT पोर्ट्रेट सीन। ठीक है, पोर्ट्रेट सीन वन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ पे इसको मैं बस सिंपली टिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट न्यू पोर्ट्रेट स्क्रीन सीन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं टच कर देता हूँ। इतना टच करने के बाद में यहाँ पे हमारी नई सीन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं अपना लॉगिन कर लूँगा अपने यूट्यूब चैनल से, तो यहाँ पे यूट्यूब पे टच करूँगा और मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारे सामने फ्रंट कैमरा जो है वो चालू हो गया हमारे यहाँ पे मोबाइल फोन पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अपने यहाँ पे थ्री लाइंस पे वापस टच करेंगे और यहाँ पे वापस से सीन्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे सीन जो सिलेक्ट है डिफॉल्ट नाम से सिलेक्टेड है अभी, वो सीन पे हम लोग यहाँ पे टच कर लेंगे, पता नहीं नाम चेंज क्यों नहीं हुआ। उसके बाद इस सीन को आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे इवेंट्स आप मतलब आपको कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन सुपर चैट कर रहा है, वो इवेंट्स का नाम यहाँ पे कहाँ पे दिखाई दे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कहीं पे भी। समझ लो मैं चाहता हूँ इवेंट्स यहाँ पे मेरे सर पे दिखाई दे ऊपर की तरफ, अलर्ट बॉक्स कोई सब्सक्राइब वगैरह कर रहा है तो उसका जो अलर्ट्स है वो कहाँ पे है, तो ये मैं सेंटर में यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद चैट बॉक्स आपको जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे आप इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके रख सकते हो। आप समझ लो आप चाहते हो कि यहाँ पे फेस कैम के जगह पे आप अपनी स्क्रीन भी शेयर करना चाहते हो या फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहते हो, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे लेयर्स वाले ऑप्शन पे टच करो। उसके बाद यहाँ पे ऐड लेयर पे टच करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अ विजेट का, तो यहाँ पे ऐड अ विजेट के वाले ऑप्शन पे आपको टच नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आपको ऐड अ स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर स्क्रीन वाला, यहाँ पे आपको टच कर लेना है। यहाँ पे टच करने के बाद में यहाँ पे ये बोलेगा स्टार्ट नाउ का ऑप्शन, तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन वाला ऑप्शन जो है टॉप पे आ चुका है। यहाँ पे अगर आपको इसका लेयर ऊपर नीचे करना है तो आप इस प्रकार से लेयर को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है ये हरदम यहाँ पे नीचे रहना चाहिए, मतलब अलर्ट बॉक्स, चैट इवेंट्स या फिर चैट बॉक्स के नीचे रहना चाहिए ताकि स्क्रीन के ऊपर हमारी चैट बॉक्स वगैरह जो है वो दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर को एडजस्ट कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम बाहर टच करेंगे, ये देखो ये यहाँ पे स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है ये हमारा आ चुका है। इस बॉक्स को आपको जैसे भी स्क्रीन को दिखाना है आपको अपने अपने सीन में उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको अपनी सीन को दिखाना है। अगर आपको फेस कैम की जगह पूरी सीन ही दिखाना है तो आप यहाँ पे इसको पूरा स्ट्रेच करके यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लो, तो आपका खाली मोबाइल स्क्रीन जो रहेगी वही यहाँ पे फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। और यहाँ पे आप ऊपर सेव कर लो अपनी सीन क्रिएट करने का, तो उसके बाद यहाँ पे बैक कर लो, सिंपली बैक कर लो, तो आपने जैसी सीन बनाई है वैसी सीन यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे लाइव जाने के लिए आप सिंपली गो लाइव पे यहाँ पे टच कर सकते हो। गो लाइव पे टच करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्लेटफॉर्म यूट्यूब कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे टच करोगे, नेक्स्ट पे टच करने के बाद यहाँ पे क्रिएट इवेंट आप कर सकते हो। अगर आपने शेड्यूल लाइव स्ट्रीम कर रखा है तो आप शेड्यूल लाइव स्ट्रीम पे भी जा सकते हो यहाँ पे, मतलब अपकमिंग इवेंट वाले को सिलेक्ट करके। बट यहाँ पे मैं क्रिएट इवेंट पे टच करूंगा, नेक्स्ट पे टच करूंगा। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम टाइटल डिस्क्रिप्शन हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी प्राइवेसी, मतलब पब्लिक करना है तो एनीवन पे सिलेक्ट करो, अनलिस्टेड करना है तो विथ लिंक पे टच करो, प्राइवेट करना है तो ओनली मी पे टच करो। यहाँ पे आप अनलिस्टेड करने के लिए विथ लिंक पे टच कर सकते हो। उसके बाद सीधे यहाँ पे आप गो लाइव पे टच कर सकते हो, या मतलब यहाँ पे ये पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो आपको डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद गो लाइव पे यहाँ पे मैं जैसे टच करूँगा तो ये यहाँ पे आ चुका है और हमारी लाइव स्ट्रीम जो है वो स्टार्ट होने लग चुकी है।
अब जैसे ही यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई, ये देखो आप लोग लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ और अब यहाँ पे हमारी जो ये लाइव स्ट्रीम है ये वर्टिकली मेरी फ़ोन की जो स्क्रीन है ये हमारे लाइव स्ट्रीम पे जो है वो दिखाई दे रही है। अब स्ट्रीम को स्टॉप करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे वापस से यहाँ पे स्ट्रीम लैब्स में जाना है। स्ट्रीम लैब्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको स्टॉप पे टच करना है और यहाँ पे एंड यूट्यूब लाइव सेशन पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप पे टच करना है सो दैट आपकी लाइव स्ट्रीम जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अपनी वर्टिकल लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने मोबाइल फोन या फिर अपने पीसी से, और ये जो लाइव स्ट्रीम रहेगी वर्टिकल लाइव स्ट्रीम ये आपके यूट्यूब शॉर्ट्स वाले फीड में दिखाई देगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक आप लोग कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।